इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबर, श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने 8 जुलाई को बेलगाम चलो का नारा दिया है। तकरीबन 20 हिंदुत्ववादी तंजीमों के साथ बेलगाम शहर पहुंचकर बीफ मार्केट के कई दुकानों को जलाने की धमकी दी है। वाज़ह है कि ये फिर से फिरका परस्ती का माहौल गर्म करने की एक साजिश बेलगाम शहर में देखी जा रही है। ये राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने यह धमकी दी है। इनका कहना है कि शिवू पार, जिसने खुदकुशी की थी, जो एक अपने आप को गोरक्षक कहता था, जिसका कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस तहकीक कहती है कि शिव पर मुजरिम था और इस पर कई सारे मुकदमे चलाए जा रहे थे, लिहाजा शिव पर ने खुदकुशी कर ली। शिव पर, पुलिस का कहना है कि शिव पर एक मुजरिम था जो कई जराइम में मुलव्वस था और इसने खुदकुशी फरमाई। 8 जुलाई के ऐलान पर बेलगाम शहर में कई अकलियती तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर बेलगाम से मुलाकात की और उन्हें मुतालबा पेश किया कि का परस्तों का बंदोबस्त किया जाए और इन पर नकील कसी जाए, लिहाजा इनका बंदोबस्त करने की इन्होंने मांग। बयान देते हुए, इत्मीनान बख्श जवाब देते हुए कहा कि किसी को बेलगाम शहर में डरने की जरूरत नहीं है। किसी धर्म भाषा की बुनियाद का फर्क करते हुए फैसला किया जाएगा और बेलगाम को अमन सुकून का शहर बना दिया जाएगा। आइए देखते हैं आखिर ये राम सेना का मुखिया प्रमोद मुतालिक है कौन। प्रमोद मुतालिक बेलगाम जिला हुक्केरी का है, जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहता है और वो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार समझता है। 2010 में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पैसों के जरिए से फसाद करने का इल्जाम इन पर लगाया गया था और इसको तहलका ने पूरे न्यूज चैनल पर दिखाया गया था। तहलका ने इस स्टिंग ऑपरेशन किया था और तहलका ने इनका पर्दाफाश किया था। दूसरा, प्रमोद मुतालिक का पर्दाफाश करने के बाद दूसरा एक मामला, मंगलोर में होटल में घुसकर औरतों पर हमला करने की वारदात ने देश भर में मुतालिक के खिलाफ एहतजाज किया गया था। बाद में उस मुकदमे से बरी भी कर दिया गया था। यह भी कहा जाता रहा है कि कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस हुकूमत है, लिहाजा इस हुकूमत को गिराने के लिए एक हिंदुत्व का माहौल बनाने की साजिश चली जा रही है और इसी का एक हिस्सा है जो सत्ताधारी भाजपा की जानिब से यह साजिश चली जा रही है कि बेलगाम में फिर से माहौल को गर्म किया जाए और उस पर सियासी रोटी से की जाए। कर्नाटक में किसी तरह से फिर से फिरका परस्ती का माहौल बनाया जाए, लिहाजा शिव पार की मौत को बहाना बनाकर और प्रमोद मुतालिक अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए बेलगाम गोश्त मार्केट को निशाना बनाना चाहता है और अमन पसंद बेलगाम को फसाद और अशांति के माहौल में झोंकना चाहता है, अशांति की आग में झोंकना चाहता है। लिहाजा तमाम आवाम से हम भी, इत्तेहाद न्यूज से भी ये ऐलान किए देते हैं कि अफवाहों पर ना ध्यान दे और अफवाहें ना फैलाए ताकि अमन के दुश्मनों को इसका फायदा पहुंचे। बेलगाम एक जमाने से अमन पसंद शहर रहा है, कुछ फिरका परस्त अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए तशद्दुद को फैलाने की कोशिश बार बार करते रहे, लेकिन फिरका परस्तों को याद रखना चाहिए कि जब तक इस देश में अमन पसंद आवाम है, देश के भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बेलगाम इंतजामिया से भी उम्मीद करते हैं कि किसी भी मुजरिम को धर्म, जात, भाषा की बुनियाद पर न देखते हुए सख्त कार्रवाई करे ताकि शहर का अमन सुकून बरकरार रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।